अब ई का नया कांड कर रही हो तुम। चिंता मत करो, ये फंदा हमारे लिए नहीं है। वो का है ना, तुम और तुम्हारा बाप नटरू मर्द तो हो नहीं दोनों। औरत का चापलूसी करने वाला लोग मर्द नहीं होता है। इसलिए हम सोचे हमसे बार बार बेइज्जत होने से अच्छा है तुम दोनों मिलके फांसी लगा लो और मर जाओ। जिंदगी से पिंड भी छूट जाएगा, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। गुलकंद बस। अरे तुम्हारा झगड़ा हमारे साथ है ना, फिर उपायल के साथ काहे बदतमीजी की तुमने? तू तुमको अपने माँ की साड़ी दी और तुम उसको जला दी। दो दिन हुए उसको इस घर में आए हुए और तुमने उसके साथ अपना नाटक नौटंकी शुरू कर दिया। अरे वाह 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 वाह, सूप तो सूप, अब छल्ली भी हंसने लगा, इसमें खुद ही 72 छेद। तुम कौन से मुंह से हमसे बात करने आए हो? बहुत फिक्र हो रहा है पायल रानी का, है ना? काहे काहे कि वो हर महीना अपना कमाई लाके देगी तुमको, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी, इसलिए ना। अरे यार राजेश, अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तुम खाओ ना। तो क्या हो गया यार, चलो चलते हैं। अच्छा चलो खाते हैं। अरे क्यों, हमने कहा ना हम घर जाकर खा लेंगे। यार राजेश, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुमने हमेशा हमारे दुख सुख में हमारा साथ दिया है, और हमें इस बात का एहसास है कि पिछले दिनों हम अपनी निजी जिंदगी में ऐसे मसरूफ हुए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स से ऐसे घिरे हुए थे कि तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाए, तुम्हारा हाल तक नहीं पता कर पाए। और हम जानते हैं दोस्त होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारे प्रति भी बनती हैं। छोड़ ना यार, हम दोस्त हैं और दोस्ती में तो ऊंच नीच होती रहती है। अब दोस्त एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? सही कहा तुमने, हम दोनों दोस्त हैं और आज दोनों दोस्त साथ में खाना खाएंगे। तुम ऑर्डर करो, हम पायल जी को फोन करके बता देते हैं कि हम लेट आएंगे, वो भी खाना खा ले। पक्का ना? हाँ। वेटर, पायल जी हम यहाँ रेस्टोरेंट में हैं राजेश के साथ, हम उसके साथ खाना खा के आएंगे, थोड़ी देर हो जाएगी, आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा, आप खाना खा लीजिएगा। जी देव जी। पायल जी की आवाज में मायूसी क्यों लग रही है? पायल जी आप ठीक है ना, कुछ हुआ क्या? आज जो हुआ है हमें देव जी को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने हमसे कहा था कि हमारे बीच चीजें साफ होनी चाहिए। पायल जी, नहीं अभी नहीं बताते हैं, बहुत दिनों के बाद तो वो अपने दोस्त के साथ बाहर गए हैं, बेवजह उनका मूड खराब हो जाएगा। पायल जी क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? नहीं देव जी, कुछ नहीं हुआ है। जिस घर में गुलकंद जैसा औरत रहता हो तो वहां पे आदमी परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा? अनाचे का खुश होके बात करती हो। ठीक ही कह रहे हैं जी। का है, तुम देखी नहीं का इतना बड़ा कांड की है वो? सच्ची में जी तो चाहता है ना कि उसका खून करवा दे हम और फेंकवा दे मानगो नदी में, और फिर तो उसका लाश भी नहीं मिलेगा। बाबूजी ऐसा करने का ना सोचेगा भी मत। वैसे भी उनके भैया भाभी हम पर बहुत गुस्सा है, अगर गुलकंद भाभी को कुछ हो गया या वो गायब होगी ना तो बस सारा इल्जाम हम पर ही आने वाला है। क्या करें बताओ, गुलामी करें उसका? ऐसे ही चुपचाप घर पे बैठे बैठे रोज रोज उससे बेइज्जत होते रहें,
क्रोध हो गया, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संतोष से आया बात समझ में? दिन पर दिन माता पे चढ़ती चली जा रही है, चढ़ती चली जा रही है। काहे के लिए? अब बदला लेना पड़ेगा उस इस हरकत का ना। अब बदला लेना बहुत जरूरी है। हाँ बाबूजी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे। हम तो कहते हैं आप कोई ऐसा उपाय निकालिए कि हम लोग ना पायल भाभी की नजरों में भी उठ जाए और गुलकंद भाभी से ना बदला भी ले ले। हाँ जी, कुछ समझे में नहीं आ रहा। अलमीरा और दरवाजा कैसे खुला हुआ है? अरे आओ ना सामने, कौन है? आओ, मान लो अपना गलती, नहीं तो सारा चोरी चकारी निकाल के धर देंगे। निकलो। क्या हुआ? क्या इतना रात में गरा फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो भाई? क्या हुआ? अरे हमारे कमरा से हमारा कपड़ा चोरी हो गया। अगर पता चल गया ना कि कौन किया है सब, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं कि हथकंडा इसलिए अपनाया जा रहा है ताकि हम ये घर छोड़ के चले जाएं। लेकिन हम ये घर छोड़ के जाएंगे नहीं। काहे के लिए कोई तुम्हारा कपड़ा चुराएगा भाई? आ तुम्हीं कहीं पर रख कर भूल गई होगी और क्या? और क्या? ये ना ट्रू। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये बोलने का कि हम कहीं कपड़ा रख के भूल गए होंगे? अरे तुम्हारा ये भक्तिन बिल्ली जैसा भुलक्कड़ नहीं है। अब इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह पे ताला लगा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो अब? तलाश, तलाश। देख ली, कुछ नहीं है। कहीं कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अभी ना मतलब में उस पर इल्जाम लगा रहे। कुछ है ये नहीं है, कुछ नहीं है। अब फिर? चलो हो गया, आप आओ। भाभी, भाभी हम नहीं जानते ये कपड़े यहाँ पे कैसे आए। हमारा यकीन कीजिए भाभी, हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा तो ये कपड़ा में हाथ पैर लगा, खुद से चल के आ गया है ना?